हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। आए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं धारा आईपीसी की धारा 184 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 184 के बारे में आज हम फुल डिटेल वीडियो लेने वाले हैं, यानी शासकीय नीलामी बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ कौन सी धारा लगाई जाएगी, उसमें धारा 184 लगाई जाएगी। तो आइए इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल लेते हैं कि आखिर धारा 184 है क्या चीज़ भारतीय दंड संहिता की। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी जो वीडियो है हमेशा कोई नई टॉपिक लेकर आता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, मैं पीडीएफ के माध्यम से वीडियो समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग पीडीएफ भी देखिए और हमारी आवाज़ सुन करके कमेंट कर जरूर करें वीडियो कैसी लगती है। शासकीय नीलामी या विक्रय के आदेश ऐसे सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसको विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भी व्यक्ति कर्ज या अन्य कारण से शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तब उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, नीलामी कब की जाती है शासकीय अधिकारी द्वारा, जब कोई व्यक्ति कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा दे या सरकार से कर्ज ले ले और वह वापस ना करे, जो जुर्माना लगता है, तो अगर जुर्माना नहीं दे पाता है तब उसकी संपत्ति जो होती है सरकार के पास एक विशेष अधिकार प्राप्त लोक सेवक अधिकारी होता है, उसके आदेश अनुसार नीलाम की जाने की कार्रवाई की जाती है। और इस कार्रवाई में जो बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ ही धारा 184 का अपराध बनता है। तो चलिए दोस्तों 184 की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। अगर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 184 की परिभाषा की बात करें तो किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जो विशेष पद धारण करता है, जो किसी संपत्ति को नीलाम या विक्रय करने का आदेश जारी कर कार्यवाही करता है और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, अपराधी होगा, दोषी होगा। दोस्तों लोक सेवक मैंने आपको बताया है, वीडियो बना चुका हूँ तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और लोक सेवक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कोई अधिकारी है वह किसी संपत्ति को नीलाम कर रहा है और उस नीलामी को में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 184 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 184 के अंतर्गत तो दंड का प्रावधान है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते, यानी इस अपराध में समझौता नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अपराध असंगे एवं जमानती अपराध होते हैं, यानी इसमें जमानत हो सकती है। इनकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। और सजा की अगर बात करें तो 1 माह की कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों आज की टॉपिक हमारी रही आईपीसी की धारा 184। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।